हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका नौवां बाब 9-13 आया तक। और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मुहस्सल और गुनहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा तुम्हारा उस्ताद मुहस्सलों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है। उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमार को तबीब दरकार है, लेकिन तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर क्लीसिया 21 सितंबर को मुकद्दस मत्ती अंजील नवीस की ईद मनाती है। मत्ती का मतलब खुदा का तोहफा है। आप खुदावन यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक हैं जिनका ताल्लुक जलील से था। मुकद्दस मत्ती अपने पेशे की वजह से नापसंद किए जाते थे, इसलिए लोग आपको महसल कहकर पुकारते थे, लेकिन मुकद्दस मरकस और लूका अंजील नवीस उसे लावी के नाम से मुखातिब करते हैं। लावी मुहस्सल के बजाय बाइज्जत नाम था। मुकद्दस मत्ती अंजील नवीस अपने बारे में बहुत इख्तसार से बयान करते हैं। अजब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। मुकद्दस मत्ती अपनी मुख्तसर रुदात में बताना चाहते हैं कि यीशु के ये अल्फाज मेरे पीछे हो ले उसका दिल और जिंदगी यकसर बदल कर रख देते हैं। अब वो एक मालिक को छोड़कर दूसरे मालिक यानी हकीकी मालिक की खिदमत का इंतखाब कर लेता है। यीशु के अल्फाज और उसकी पुर रहम निगाह उसके